हेलो दोस्तों, जेएस मूवीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टर्बो के बारे में कि ट्रैक्टर में टर्बो को क्यों लगाया जाता है और ये काम कैसे करता है, और थोड़ी सी टर्बो की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, और इसका रख रखाव हमें कैसे करना है उसके बारे में भी जानेंगे, और क्या हम नॉन टर्बो ट्रैक्टर्स पर टर्बो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, टर्बो का जो सबसे पहला इस्तेमाल वो एल्फ्रेड बूची ने किया था, जो कि एक स्विस इंजीनियर थे। 1925 में उन्होंने एक 10 सिलेंडर इंजन पर टर्बो को लगाया था और वो उसकी पावर बढ़ाने में कामयाब रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टरों पर क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट हर बार कहती है कि जो ट्रैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इसीलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टर्बो का यूज़ ट्रैक्टर्स में किया जाता है। इसके लिए जैसे कि एक 55 HP ट्रैक्टर है, तो जो इसका इंजन डिज़ाइन है वो 50 HP का होगा। जो ऊपर की 5 HP है वो हमारा जो ये टर्बो है ये प्रोड्यूस करेगा। दूसरी तरफ जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर हैं उसमें जो इंजन है आपका वही 55 HP प्रोड्यूस करेगा। अब जब वो 55 HP प्रोड्यूस करेगा तो वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करेगा, इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टर्बो का यूज़ किया जाता है। ये हमारी 5 HP तक जो है पावर वो बढ़ाता है। टर्बो बहुत HP तक पावर बढ़ा देता है, 300, 400, 500 और आगे बहुत तक पावर बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, टर्बो के जो काम करने का जो तरीका वो ये है कि ये देखिए, ये इसका है टर्बाइन व्हील जो है, ये जो स्मोक होता है हमारा इंजन का, स्मोक होता है ट्रैक्टर का, उस स्मोक से ये घूमता है। जब हमारे इंजन RPM 1000 से 1200 के बीच हो जाते हैं तो ये घूमना स्टार्ट करता है। इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर इनटेक मैनिफोल्ड ये इसको बोलते हैं, इसमें भी एक पंखा लगा हुआ है इस तरफ, वो इस तरफ पंखा लगा हुआ है, वो पंखा तब घूमता है जब ये पंखा घूमता है, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें एक शाफ्ट होती है और ये जो है ये शाफ्ट को होल है, शाफ्ट को तेल देने के लिए है। तेल हमारा जो आता है वो इंजन से इसको प्रोवाइड होता है। तो जब आपके ट्रैक्टर का जो स्मोक का जो प्रेशर है वो जब आप 1000 RPM पर अपना ट्रैक्टर 1200 RPM पर कर देंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा और ये हवा इस तरफ से खींचना शुरू कर देगा, जो कि आपके इंजन के सिलेंडर में हवा भेजना शुरू कर देगा। दोस्तों, इस तरह से ये आपके ट्रैक्टर की जो HP को बढ़ाता है। जो टर्बो ट्रैक्टर होते हैं वो अपना 1500 से लेके 1800 RPM तक अच्छा काम करते हैं, और कम RPM पर जैसे कि 1000 RPM पर वो सही से काम नहीं करते, क्योंकि 1000 RPM पर ये शुरू ही होता है, अभी स्टार्ट ही होता है 1000 से 1200 RPM तक। तो 1500 से 1800 RPM तक ये फुल घूमता है, पूरा घूमता है, तो पूरी हवा प्रोड्यूस करता है। जब पूरी हवा प्रोड्यूस करता है इंजन फुल पावर पैदा करता है। तो दोस्तों, अब इसके रख रखाव के बारे में हम जानेंगे कि इसका रख रखाव हमें कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी टर्बो ट्रैक्टर है आपके पास उसको आपको 1 मिनट तक स्टार्ट ज़रूर रखना है। जब आप उसको 1 मिनट तक स्टार्ट नहीं रखते तो कई बार क्या होता है कि इसमें जो ऑयल आना होता है, वैसे तो ऑयल 2-3 सेकंड में ही आ जाता है जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर इसमें ऑयल नहीं पहुंचा आपके टर्बो शाफ्ट में तो ये ड्राई शाफ्ट चल जाएगी। जब ड्राई शाफ्ट शाफ्ट आपकी चल जाएगी तो आपके जो बुश हैं वो कट जाएंगे, बुश कटने के कारण इसमें प्ले आ जाएगा। जैसे इसमें प्ले है, ये देखिए इसमें एक प्ले है, जब प्ले आ जाएगा तो आपकी जो सील्स हैं वो कट जाएंगी तो लीकिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये देखिए, ये भी एक लीक ही टर्बो है, ख़राब है टर्बो, ये लीक होना शुरू हो जाएगा। तो वो आपकी जो लीकिंग है, या तो साइलेंसर की तरफ से जो आपका ऑयल है वो बाहर फेंकने लग जाएगा ये, या अगर इस तरफ लीक हो गया तो ये आपके इंजन में जाना शुरू हो जाएगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपका जो पूरा ऑयल है आपका वो बाहर फेंक देगा और आपका ट्रैक्टर है जो
वो सीज भी हो सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो सुबह उसको 1 मिनट तक जो है स्टार्ट ज़रूर रखें। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप खेत से जुताई करके घर में आते हैं तो रेस देकर अपने ट्रैक्टर को कभी बंद ना करें, क्योंकि जब आप फुल रेस कर देते हैं तो ये पूरी तेज़ी से घूमने लग जाता है। तेज़ी से घूमने के कारण आप एकदम से रेस पीछे करके और ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं तो जो ऑयल होता है वो तो वापस इंजन में चला जाता है और जो टर्बो है वैसे ही घूमता रहता है। तो इसके कारण भी जब ये ड्राई चल जाता है तो ये जो है इसकी शाफ्ट है जो कट जाती है, बुश कट जाते हैं तो फिर लीक करने लग जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम ये है वो इसकी ये है कि आप जब आपके अपने ट्रैक्टर की जो सर्विस है वो टाइम पे नहीं कराते हैं तो जो आपका ऑयल होता है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें जो चिकनाई होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो शाफ्ट को घुमाने के लिए चिकनाई चाहिए होती है वो उसमें नहीं रहती। तो और भी ऑयल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और कार्बन जो जमा हो जाता है जो आके शाफ्ट का नुकसान करता है। इससे भी वही होता है, शाफ्ट कटती है, सील्स लीक होती हैं, ऑयल आपका टर्बो उठाने लग जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप सुबह 1 मिनट तक ट्रैक्टर को स्टार्ट ज़रूर रखें टर्बो को, और जब आते हैं तो बिल्कुल आइडल स्पीड पर ट्रैक्टर को बंद करें, रेस देकर ट्रैक्टर को बंद ना करें। अब आ जाते हैं नॉन टर्बो और टर्बो ट्रैक्टर पर। क्या हमें एक नॉन टर्बो ट्रैक्टर पर टर्बो लगाना चाहिए? तो इसका जो जवाब है कि नहीं। दोस्तों अगर आपके ट्रैक्टर को टर्बो की ज़रूरत होती तो कंपनी ज़रूर आपके ट्रैक्टर को टर्बो लगाकर भेजती, आपके ट्रैक्टर को टर्बो की ज़रूरत नहीं है इसीलिए कंपनी ने उसको टर्बो नहीं लगाया है। और अगर आप बाहर से टर्बो लगाते हैं अपने ट्रैक्टर पर तो आप जो है वो आपका गलत डिसीजन है, क्योंकि टर्बो लगाने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, आप सीधा ट्रैक्टर पर टर्बो नहीं लगा सकते। और अगर ज़रूरत होती तो आपकी कंपनी ज़रूर आपके ट्रैक्टर को टर्बो लगाकर भेजती। तो दोस्तों बाहर से टर्बो आप मेरी जो राय है, मेरा ओपिनियन है कि ना लगवाएं। अगर नॉन टर्बो ट्रैक्टर है तो उसको नॉन टर्बो ही रहने दें, अगर आपका टर्बो ट्रैक्टर है तो उसका टर्बो उतारें भी नहीं, क्योंकि जो आपके ट्रैक्टर का डिज़ाइन है, जो इंजन है वो टर्बो के लिए ही तैयार किया गया है। अगर आपने उसका टर्बो उतार दिया या उसका इंटरकूलर उतार दिया तो आपका ट्रैक्टर है जो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तभी भी उसका नुकसान है। और अगर आपने एक नॉन टर्बो ट्रैक्टर को टर्बो बनाया खुद से तो दोनों तभी भी उसका नुकसान है, ये दोनों तरफ से आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है टर्बो की सारी बातों को कवर करने के लिए। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।